केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम लाए हैं एक किताब घर के पिटारी की महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका टाइटल है बहुजन लिटरेचर। किताब घर के पिटारी के साथ साथ ये कल, आज और कल की कड़ी की श्रृंखला का एक भाग है। ये पुस्तक उन सभी बहुजन शिक्षकों के लिए, शोधार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिनको पढ़ना लिखना आता है। साथियों, जैसे वर्ण व्यवस्था में हम तमाम तरह के दासता के पायदान देखते हैं, दलित, अछूत, पिछड़े, शूद्र, अतिशूद्र, ऐसे ही साहित्य में भी दलितों का साहित्य, अछूतों का साहित्य, आदिवासियों का साहित्य, महिलाओं का साहित्य, बहुजनों का साहित्य होता है। आखिर आप सोच रहे होंगे साहित्य में भेदभाव कैसा? निसंदेह, जब आप पढ़ते हैं, जब आपको पढ़ना आता है, जब आपको लिखना आता है, तो आपको ये भी जरूर समझ में आएगा कि बहुजन साहित्य क्या है और बहुजन साहित्य को अन्य किस रूप में देखा जाता है। साथियों, बहुजन साहित्य पर यह किताब फॉरवर्ड प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई है, तो निसंदेह आपको सबको पढ़नी चाहिए। और उन बहुजनों को, जिनके लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, साथियों बहुजन साहित्य को, आदिवासियों का साहित्य, दलितों का साहित्य, महिलाओं का साहित्य, ओबीसी का साहित्य, वंचित तबके के लोगों का साहित्य, शूद्रों, अति शूद्रों का साहित्य, आमजन का साहित्य और ऐसा साहित्य जिसे अभिजनों के द्वारा, जिस साहित्य का शोषण किया गया है, जिसे अभिजन और एलीट क्लास के द्वारा या ब्राह्मण बनिया कोम्बो के द्वारा इग्नोर किया गया है, ऐसा साहित्य जिसे गांधी की भाषा में हास्य पर धकेला गया साहित्य कहते हैं, ऐसा साहित्य जिसे बाबा साहब की भाषा में छूने योग्य भी नहीं माना गया, वह साहित्य। तो बहुजन साहित्य क्या है, किन नायकों का साहित्य बहुजन साहित्य है और ये पुस्तक बहुजन साहित्य को बहुजनों तक किस तरह से रिप्रेजेंट करती है ताकि वे बहुजन, जिन्हें गंवारों का साहित्य या गंवार कहा जाता है, जो आपस में शूद्र अति शूद्र यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये तमाम महिला पुरुष, ये सब लोग आपस में मनमुटाव करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जो कि दासता का, वर्ण व्यवस्था का और वैदिक सभ्यता का एक अवगुण उनके अंदर आ चुका है, जिसको हम ब्राह्मणवाद के नाम से जानते हैं। आखिरकार ये जो अभिजनवाद है, जो एलिटिज्म है, वह किस तरह से क्लाइंटेलिज्म में कन्वर्ट हो गया है। साथियों, ऐसा साहित्य जिसे गौतम बुद्ध का साहित्य, कबीर का साहित्य, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले का साहित्य, रैदास का साहित्य, पेरियार का साहित्य, रुखिया बेगम का साहित्य, रमाबाई का साहित्य, कांचालाल सैपट का साहित्य, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो साहित्य की जो दो स्थितियां हैं, एलीट लिटरेचर और मास लिटरेचर, हम बात कर रहे हैं कि मास लिटरेचर क्या है, वह एलीट लिटरेचर से किस तरह से अलग है, या जो बहुजन लिटरेचर है वह उस अभिजन साहित्य से अलग कैसे है, उसको क्यों विश्व प्राथमिक विद्यालयों से लेकर स्कूली शिक्षा के तमाम तरह के पाठ्यक्रमों में स्थान नहीं दिया गया या बहुत कम स्थान दिया गया या उसे वंचित किया गया, क्यों उच्च शिक्षा में महिलाओं को राजनीति विज्ञान और राजनीतिक विचारक के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, बहुजनों के चिंतकों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, विचार को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जो कई बार हम जानते हैं कि नरेटिव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस क्लाइमैक्स की तुलना में। तो ऐसा नरेटिव फैलाया गया, ऐसा नरेटिव क्रिएट किया गया एलीट के द्वारा कि केवल पढ़ना लिखना और शासन करना उन्हें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बहुजन अपनी रियल हिस्ट्री को जानेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उनका साहित्य अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक, तार्किक, जनहितकारी, परोपकारी, अहिंसक, प्रेम का, सद्भावना का, मेलजोल का, मानवता का साहित्य है। तो इस साहित्य में, इस पुस्तक में क्या क्या, किन किन बातों पर, कंटेंट पर बल दिया गया, उसकी अगर हम बात करें तो बहुजन साहित्य, ये फॉरवर्ड प्रेस की बुक है, इसका पूरा टाइटल है द केस फॉर बहुजन लिटरेचर,
लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ये एडिटेड की गई है बाय इवान कोस्टका और प्रमोद रंजन के द्वारा, जो कि बहुजन लेखकों में अग्रणी पंक्ति में इस समय शामिल हैं या गिने जाते हैं। उनका तहे दिल से एक बहुजन के नाते बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मानवता का, भाईचारे का, प्रेम का, इंसानियत का, तार्किकता का, सामाजिक न्याय का, साहित्य में सामाजिक न्याय का ये जो बेड़ा उठाया है, निसंदेह इसमें हमें थोड़ा थोड़ा अपना योगदान जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये देश उन सब लोगों का है जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, जो पर्यावरण में विश्वास रखते हैं, जो जीव जगत में विश्वास रखते हैं। आइए कंटेंट में क्या क्या है। नंबर एक पर यहाँ पर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इस कंसेप्ट को इस चैप्टर एडिटेड चैप्टर के माध्यम से डिफाइन किया गया है। इसमें मैं ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा, विस्तार के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और आपको बेशक इस किताब को ख़रीद के पढ़ना चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि साहित्य में छुआछूत, साहित्य में भेदभाव, साहित्य में शोषण, साहित्य में वंचित और साहित्य क्या है, और कौन सा अपना साहित्य है, कौन सा सबके हित का साहित्य है और कौन सा कुछ लोगों के हित का साहित्य है। द रेनेसेंस ऑफ द बैकवर्ड्स द वेट कंटिन्यू द आइडिया ऑफ ओबीसी लिटरेचर ओबीसी डिस्कोर्स हैज़ बेनिफिटेड द दलित मूवमेंट। ओबीसी लिटरेचर डज नॉट एग्जिट बट इट मस्ट बी डिस्कस्ड। साथियों, इसके साथ ही आगे जो कंटेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज योर टाइम नॉट माय। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर है कास्ट डिस्कोर्स इन लिटरेचर डेलीब्रेशन ओबीसी लिटरेचर। नेक्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ हिंदी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ रिलेवेंट इज द कंसेप्ट ऑफ ओबीसी, ओबीसी के लिए जो है लिटरेचर एंड पावर, जो आप सोच रहे हैं कि लिटरेचर में भेदभाव कैसे होता है, साहित्य और उसकी शक्ति क्या है। ओबीसी हीरोज डेवलप्ड दलित कंसाइंसनेस। ओबीसी लिटरेचर हैज द वाइडेस्ट रेंज, नो ऑब्जेक्शन टू ओबीसी लिटरेचर। नेक्स्ट कंटेंट का पार्ट है ए स्नेक इन द ग्रास ऑन आदिवासी लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल लिटरेचर चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज, लिटरेचर ऑफ द मोस्ट ऑप्रेस्ड, द कंसेप्ट ऑफ बहुजन लिटरेचर, बहुजन आइडेंटिटी एंड साइंटिफिक कंसाइंसनेस। तो ये साथियों इस पुस्तक के मुख्य कंटेंट हैं जो हमें हमारी विरासत से, हमारे साहित्य से, और उस साहित्य से जो कि सबके हित में बात करता है, केवल कुछ लोगों को लाभ नहीं दिलाता, अपितु जो बुद्धिज्म के अगुतर निकाय में कहा गया है वह बात हमें माननी चाहिए, जो बात न केवल अपने हित में है अपितु दूसरों के हित में भी है। हमें केवल जो पवित्र धार्मिक ग्रंथों में लिख दिया गया उस झूठ को नहीं मानना चाहिए, जो माता पिता कह रहे हैं उसको नहीं मानना चाहिए, जो गुरु कह रहा है उसको नहीं मानना चाहिए, जो बड़े बूढ़े कह रहे उसको नहीं मानना चाहिए। यदि उस कहे हुए कथन में या उसको कार्य प्रणयुक्त करने में, कार्य रूप देने में केवल कुछ लोगों का या अपना हित हो तो यह बहुजनों का नहीं अभिजनों का हित है, अभिजनों का साहित्य है। और बहुजन साहित्य में, बहुजनों में जो अभिजनवाद आ जाता है, जिसकी वजह से बहुजन आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसी स्थिति में बहुजन साहित्य को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। यदि हमें भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाना है तो हमें बहुजनों के उस साहित्य को, बहुजनों की सामाजिक न्याय की अवधारणा को लागू करना पड़ेगा। और ये उन भारतीय बहुजनों की जिम्मेदारी है कि वे पढ़ें, लिखें और संघर्ष करें, पढ़ाएं लोगों को, लिखना सिखाएं और संघर्ष करना सिखाएं। क्योंकि जिसको आप कहते हो कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो, केवल खुद के लिए नहीं, आप पढ़ो और पढ़ाओ, आप लिखो लोगों को, लिखने की क्षमता लोगों में विकसित करो, आप खुद संघर्ष करो और संघर्ष करना सिखाओ। हमारे बहुजनों में से बहुत से अभिजनवाद के शिकार हो गए हैं, उन लोगों से हम कोई उम्मीद नहीं करते जिनको नियो क्षत्रिय कहा जाए, या जो नौकरी पेशा में चले गए, या ऐसे लोग जो अपने आप को ऊपर मानने लग गए, हालांकि वो कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब तक बहुजन यूनाइट नहीं होंगे, जब तक लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपने साहित्य को नहीं पहचानेंगे, तब तक बहुजनों का, और विशेष रूप से बहुजनों का मतलब यह कि वो संख्या से नहीं है, ऐसे जन जो बहुत से लोगों के हितों की बात करते हैं, ऐसे जन
जो मानवता में विश्वास करते हैं, ऐसे जन जो सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, ऐसा साहित्य जो कबीर का साहित्य है, गौतम बुद्ध का साहित्य है, फूले का साहित्य है, सावित्रीबाई फूले का साहित्य है, रैदास का साहित्य, अंबेडकर का साहित्य, पेरियार का साहित्य, उकैय बेगम का साहित्य है, साहित्य चौधरी चरण सिंह का साहित्य है, भगत सिंह का साहित्य है, रमाबाई का साहित्य है, और तमाम ऐसे गुमनाम बहुजन भारतीय नायक बिरसा मुंडा का साहित्य है, जो साहित्य मानवता के अपलिपमेंट की बात करता है वह कहलाता है बहुजन साहित्य, जिसे आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से आज तक हास्य पर दखला गया है और उसे पॉलिटिक्स ऑफ करिकुलम, सिलेबस निर्माण की जो राजनीति है उससे बहुत दूर रखा गया है, कुछ कुछ हिस्सों में उसको जरूर शामिल किया गया। तो आवश्यकता है बहुजन लिखें, पढ़ें, लिखाएं, पढ़ना सिखाएं और संघर्ष करें, यही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुजन लिटरेचर, और ये पुस्तक आप देख सकते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से जो फॉरवर्ड है प्रेस है उसके द्वारा, एडिटेड बाय इवान कोट्स का और प्रमोद रंजन के द्वारा इसे संपादित किया गया है। तो फॉरवर्ड प्रेस से आप ऑनलाइन इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बहुजन लिटरेचर के बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे हु आर बहुजन, हु वर बहुजन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बहुजन लिटरेचर और व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ बहुजन लिटरेचर। आप सभी को फिर से नमस्कार, थैंक यू।